हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लिंथ बीम के ऊपर। अगर आप एक मंजिल या फिर दो मंजिल या तीन मंजिल तक घर बनाने जा रहे हैं और उसमें आपको प्लिंथ बीम का क्या साइज रखना है, प्लिंथ बीम की आपको क्या गहराई रखनी चाहिए और उसमें सरिया कैसे कैसे देना चाहिए, प्लिंथ बीम की ढलाई में आपको कौन सा मसाला यूज करना चाहिए ताकि प्लिंथ बीम के साथ साथ आपका घर भी मजबूत बन सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक से तीन मंजिला मकान के लिए प्लिंथ बीम की गहराई क्या होनी चाहिए और उसमें कितना सरिया दे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लिंथ बीम हमारे घर की मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सभी कॉलम को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है, सभी कॉलम को आपस में पकड़ कर रखता है। मान लीजिए अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाए तो यह बिल्डिंग को पूरी तरह बांध कर एक ही पोजिशन में बनाए रखने का काम करता है और साथ ही ऊपर कॉलम से आने वाले लोड को भी फुटिंग तक इजीली ट्रांसफर करने का काम करता है। दूसरा, मान लीजिए कि आपकी भराई की हुई मिट्टी बैठ जाती है यानी कि सेटल हो जाती है, तो इससे आपके घर की दीवारों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वह घर की दीवारों पर क्रैक आने से भी रोकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक मंजिला घर के लिए। तो एक मंजिला घर के लिए प्लिंथ बीम का साइज आपको 9 इंच बाई 9 इंच का रखना चाहिए, जिसमें आपकी 9 इंच चौड़ाई रहेगी और 9 इंच ही इसकी गहराई रहेगी। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले सरिये की। दोस्तों, प्लिंथ बीम में आपको कोई भी सरिया उठाकर नहीं बांध देना है, क्योंकि प्लिंथ बीम घर की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपको Fe 500 या Fe 550 ग्रेड का सरिया ही यूज करना है। और दोस्तों, इसमें आप एक अच्छा ब्रांड अगर देखोगे तो वह थोड़ा महंगा तो जरूर होता है, लेकिन घर की मजबूती के लिए बेस्ट रहता है। आप एक मंजिला घर के लिए कम से कम 12 mm के 3 सरिये टॉप में और 3 सरिये बॉटम में दे सकते हो एक मंजिला घर के लिए। अब बात करते हैं प्लिंथ बीम में लगने वाले रिंग की। तो दोस्तों, प्लिंथ बीम में आपको 8 mm के सरिया की रिंग देनी है और रिंग का हुक आपका 135 डिग्री पर बैंड होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि सभी रिंग की हुक ऊपर की ओर रहे, ना कि नीचे, जो कि मजबूती के लिहाज से अच्छा रहता है। और हुक की लंबाई आपको 10D यानी कि कम से कम 80 mm तो रखनी ही रखनी है। अब रिंग की स्पेसिंग की बात करें तो रिंग की स्पेसिंग आपको कम से कम 5 इंच रखनी है, यानी कि 125 mm आप रिंग की स्पेसिंग रख सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दो मंजिला घर के लिए आपको प्लिंथ बीम की गहराई 12 इंच रखनी चाहिए और प्लिंथ बीम की चौड़ाई 9 इंच रखनी चाहिए, यानी कि इसमें आपका प्लिंथ बीम का साइज हुआ 9 इंच बाई 12 इंच, जो कि दो मंजिला घर के लिए बेस्ट रहता है। दोस्तों, प्लिंथ बीम में आपको कितना सरिया देना चाहिए, इसके लिए आपको टॉप में 3 बार और बॉटम में भी 3 बार देने होंगे, जिसमें आपके टॉप के 2 बार 16 mm के रहेंगे और 1 बार 12 mm का रहेगा। सेम ऐसे ही बॉटम में 2 बार 16 mm के रहेंगे और 1 बार 12 mm का रहेगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 16 mm के चारों बार आपके बीम के चारों कॉर्नर पर आएंगे और 12 mm के दोनों बार आपके टॉप में भी सेंटर में और बॉटम में भी सेंटर में आएगा। और अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें लगने वाली रिंग की। तो रिंग का आपको डाया 8 mm का रखना है और सेम ऐसे ही रिंग की स्पेसिंग भी आपको कम से कम 5 इंच यानी कि 125 mm ही रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 3 मंजिला घर। दोस्तों, आपको प्लिंथ बीम का साइज 3 मंजिला घर के लिए 9 इंच बाई 18 इंच रखना होगा, जिसमें आपकी 9 इंच चौड़ाई होगी और 18 इंच उसकी गहराई रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें लगने वाले सरिये की। तो 3 मंजिला घर के लिए आपको टॉप एंड बॉटम में 3-3 बार देने होंगे। टॉप के 3 बार आपके 16 mm के रहेंगे और बॉटम में भी आपको 3 बार 16 mm के ही रखने हैं। और दोस्तों, इसमें लगने वाले रिंग का डाया आपको 8 mm ही रखना है और रिंग की स्पेसिंग आप इसमें 4 इंच यानी कि 100 mm तक रख सकते हो। अब दोस्तों, जब भी आप प्लिंथ बीम बनवाए तो प्लिंथ बीम के एंड में आपको ऐसे सरिया मोड़कर अवश्य देना चाहिए, इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो सरिये को मोड़कर ही छोड़े, ऐसा सीधा सीधा सरिया नहीं छोड़ना चाहिए। अब सरिया कितना मोड़ना है, दोस्तों टेक्निकली तो यह 50D मोड़ना चाहिए, लेकिन थंबनेल के हिसाब से कम 8 इंच या 10 इंच तक इसको मोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी फोर्स पड़ेगा, अर्थक्वेक जैसी कंडीशन में यदि कोई फोर्स पड़ता है तो सरिया मुड़ा होने के कारण वह वहां से खींचेगा नहीं, यानी कि वह आपके प्लिंथ बीम को मजबूती देगा, जिससे वह खुलेगा भी नहीं और बिल्डिंग अपनी पोजीशन में मजबूती के साथ बनी रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लिंथ बीम की ढलाई यानी कि कास्टिंग करते समय हमें कौन सा मसाला यूज करना चाहिए।
दोस्तों बहुत सी जगह पर देखा गया है कि लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, वह मिस्त्री के हिसाब से मसाला बनवाकर प्लिंथ बीम की ढलाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप साइट पर खड़े रहकर यह तो जरूर चेक करें कि मसाला M20 ग्रेड का हो, जिसमें आपका एक पार्ट सीमेंट का रहेगा, डेढ़ पार्ट सैंड और तीन पार्ट एग्रीगेट का रहेगा। इससे कम रेशो में आपको प्लिंथ बीम की ढलाई बिल्कुल नहीं करनी है, और ढलाई करते समय आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर फिक्सिट या LW केमिकल भी इसमें जरूर यूज करें। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि कम से कम M20 ग्रेड का तो मसाला आपको यूज करना ही करना है। अगर आप इसमें M25 यानी कि एक एक दो ग्रेड का मसाला यूज कर सकते हैं तो यह प्लिंथ बीम की मजबूती के लिए और अच्छा रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।